देखिए फट गया कंपटीशन के बीच में ही। देखिए गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और देखिए आज फाइनली है 20 तारीख, कंपटीशन का दिन आज तो स्केड्यूल्ड हुआ है। आज शाम को 5:05 पे है मेरा कंपटीशन। और देखिए मिक्स फीलिंग है, मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। फिलहाल मैं उठा 7 बजे, अभी हो रहे हैं 7:30। एक और दिक्कत ये हो गई है कि जो मैं चार्जर लाया था भाई, और जो मैं अडेप्टर लाया था, देखिए ये चार्ज नहीं कर रहा है। और इसी से मेरा आईपैड भी चार्ज होता था, गोप्रो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए। और फ़ोन का मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कैसे चार्ज करेंगे। और कल इवनिंग में मैंने थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की थी, थोड़ा सा मोबिलिटी वगैरह किया रूम में ही, स्टेडियम नहीं गया मैं। शाम को 5 बजे तक 18-19 डिग्री मैंने दिखा रहा है वेदर। तो फिलहाल मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट के लिए। बस आज का दिन पूरा प्लान्ड है, स्केड्यूल्ड है, तो पूरा मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कॉम्पिटिशन कैसे जाता है। आई होप कॉम्पिटिशन अच्छा रहे, जो मैं सोच का है वो हो, बस ये इंपॉर्टेंट है। और मैं कॉन्फिडेंट फील करूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। और कल मैं ये बोतल पानी और ये बनानास, कब AED हुआ 10.47, जो कि अराउंड है यहाँ के 250 रुपये के। और होटल वाले 2 ही बोतल पर रूम देते हैं हर दिन का, तो हम एथलीट्स के लिए वो काफ़ी नहीं है। दोबारा इसको ठीक करवाना पड़ेगा भाई। दिक्कत क्या होती है इन चीज़ों में कि इस फोन में के साथ रख देंगे इसको तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से ये काम करना बंद कर देते हैं। जैसे ये होटल के बाहर जहाँ जाओगे वहाँ पर रंगा पड़ोगे। ये है तीसरी बार सर। रूम में आ गए हम, कुछ वैसे तो अब करने को नहीं है। बैग पैक करते हैं कंपटीशन के लिए। रंजीत में टाइटीज का वेस्ट ब्लैंकेट तो ये पहनूंगा, मार्किंग टेप, स्पाइक्स, सबसे इम्पोर्टेंट स्पाइक्स। अभी बज रहे हैं 2:45। कोई लंच मैंने कर लिया था, लंच में राइस खाए, दाल, बढ़िया इंडियन खाना मिल रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसमें। 3:30 बजे मैं हम जाएंगे स्टेडियम। कंपटीशन से पहले यूजुअली मैं एक हॉट बात लेता हूँ, देखता हूँ मैं कितना बना पाता हूँ। लेकिन कंपटीशन में यूजुअली अलाउड नहीं होता है फ़ोन, एटलीस्ट वेन्यू तक बनाऊँगा मैं। रेडी आया, अब करेंगे बैग चेक अपना। तो मेरा अपना बैग स्पाइस है, मेरा बैंड फॉर्म रोलर जूता है, ये दोनों जूते, एक जूता इसमें अंदर जाएगा। 2 अपर पहनूंगा मैं, एक विंड शीटर है, एक अपर है तो थोड़ी ठंड है वहाँ पर। और एक जाएगी बनाना एंड एक चॉकलेट। और हियर वी आर, पहुँच गए वेन्यू पर, व्हीलचेयर रेस। गुड कॉम्पिटिशन, अच्छा था, जो माइंड में सोच के आया था मैं वो सब कुछ हो रहा था। नेवर्थलेस कोई नहीं, सेटिस्फैक्ट्री, घर जाएंगे आराम करेंगे, फिर दोबारा ट्रेनिंग शुरू। अगले ही महीने नेशनल्स हैं तो प्रिपेयर करेंगे। और हमारे कोच साहब इंडियन रुपीज चलाते हुए शारजा में, अरे नहीं सर वो क्या करेगा, एक्सचेंज कर रहे हैं सर। ज़्यादा है तो ज़्यादा दे दो, 1000 का दे दो, 1000 का नहीं है, आप किसके लिए लिया था। मेडल सेरेमनी भी ख़त्म, अब जाएंगे होटल में, बस बाहर है और 9 बजे निकलेगी वो। मेडल सेरेमनी थोड़ी सी लेट हुई, 7 बजे की थी, 8:30 हुई। पूरा आधा घंटा 45 मिनट लगे हमको पहुंचने में। सो अभी हम जाएंगे सीधा डिनर करने,
9:30 हो गए हैं, 10 बजे बंद हो जाएगा डिनर। मेरे पेट में आए थे और बहुत ज़्यादा, 6:30 बजे इवेंट ख़त्म हुआ, 9 बजे के आसपास मेडल सेरेमनी, हमने खाया था 1 बजे। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये है मेडल, गोल्ड मेडल। सो आफ्टर 2018 एशियन पैरा गेम्स के बाद मैं इतना सेटिस्फैक्ट्री लौटा हूँ स्टेडियम से। अब देख लीजिए, ये 4-5 साल मैंने हमेशा ही हर कॉम्पिटिशन में की परफॉर्मेंस नहीं की। यस, आई विल स्लीप पीसफुली टुडे। ये है मेरा स्पाइक, यूज़ कर रहा हूँ रियो 2016 से। स्पाइक ने मुझे 3 मेडल दिलाए हैं, रियो, जकार्ता एशियन पैरा गेम्स और लंदन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और अब देखिए, कल ये देखिए फट गया कंपटीशन के बीच में ही। देखिए, अब मुझे इसे रिटायर करना पड़ेगा। ऑल दो ये फट गया था पहले, लेकिन देखिए मैंने इसको सिलवाया, बट आई थिंक ये शूज़ मुझे कहीं मिल नहीं रहा है।